नमस्कार दर्शकों, डेली ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, केरला से दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्लेन क्रैश होने की वजह से 18 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 24 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें, देर रात चले रेस्क्यू में प्लेन में से सभी घायल लोगों को निकाल लिया है। घायलों का इलाज कोड़िकोज के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। जानकारी के अनुसार नगर निगम मंत्रालय यानी कि जांच के अनुसार नगर निगम मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी ने कोझिकोड विमान दुर्घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें, पुरी ने कहा कि इस मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने एक औपचारिक जांच करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, AAIB नगर निगम मंत्रालय का एक विभाग है, जो कि देश में विमान हादसों और दुर्घटनाओं की जांच करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 171 घायल लोगों का इलाज चल रहा है। कोड़िकोज और उनके आसपास के 13 अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक गर्भवती महिला और 4 बच्चे सहित कुल 23 लोग की हालत बेहद ही नाजुक है। आपको बता दें, फ्लाइट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन की एक टीम कोड़िकोज पहुंच चुकी है। आपको बता दें, दूसरी टीम दोपहर 2 बजे तक पहुंच जाएगी, जो कि विमान हादसे के कारणों की तफ्तीश करती है। इसके अलावा केरला के मुख्यमंत्री पेन्नार विजयन कोड़िकोज का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर पहले ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, अधिकारियों के साथ कल के हादसे पर चर्चा भी होगी। कहा जा रहा है कि जिन 18 लोगों की इस विमान हादसे में मौत हुई है, उनमें से 17 लोगों की पहचान हो चुकी है। आज दोपहर बाद COVID-19 टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद उनका पोस्टमार्टम शुरू होगा। अभी एक मृत की पहचान नहीं हो पाई है। इस एयर इंडिया की एक टीम 11 बजे की जाँच पर पहुँचेगी। बाद में कोड़िकोड एयरपोर्ट पहुँचेगी, जिसको विमान हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स की तलाश करेगी। आपको बता दें, ब्लैक बॉक्स होता है, यानी कि किस कारण की वजह से विमान क्रैश हुआ है और क्या कारण था विमान का क्रैश होने का, इसकी तफ्तीश करेगी और साथ ही ब्लैक बॉक्स भी ढूंढेगी। आपको बता दें, शुक्रवार को दुबई से आ रही एयर इंडिया की एक्सप्रेस का एक विमान बारिश के कारण कोड़िकोज हवाई अड्डे पर रनवे से फिसलकर 35 फुट नीचे गिर गया था। 2 हिस्सों में बटा यह प्लेन बड़ा ही भयानक रूप में नजर आ रहा था। आपको बता दें, इस हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में दुर्घटना की वजह से हुई लोगों की मौत को हम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि, हमारे दर्शकों की तरफ से श्रद्धांजलि। धन्यवाद दर्शकों, देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।